नमस्कार, आप देख रहे हैं पता नहीं 24 लाइव। बगा एक प्रखंड के पतिलार मिडिल स्कूल परिसर में जन सुराज यात्रा के 24वें दिन प्रशांत किशोर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया के सामने बिहार की कई मूलभूत सुविधाओं की कमियों के बारे में बताया। प्रशांत किशोर ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान अब तक 200 किलोमीटर का रास्ता तय किया है, जिसमें विभिन्न गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात किया और बिहार सरकार के द्वारा किए गए विकास की जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी ली। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में आज भी पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और ग्रामीण सड़कों की हालत बेहद खराब है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिजली के बिल से परेशान हैं, तथा गांव में काम करने वाले युवाओं के बदले केवल बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही दिखाई पड़ रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 3500 किलोमीटर लंबी जन सुराज पद यात्रा का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को भितियारवा गांधी आश्रम से किया है। पद यात्रा के दौरान अब तक 200 किलोमीटर पूरे कर लिए। प्रशांत किशोर ने पद यात्रा कैंप में मीडिया से बातचीत करते हुए अब तक के पद यात्रा का अनुभव साझा किया और बताया कि वे पद यात्रा में रोज लगभग 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं और जब 10 से 16 पंचायतों का भ्रमण हो जाता है तब एक जगह रुकते हैं, ताकि जिन पंचायतों से पद यात्रा गुजरी है वहाँ के स्थानीय जन समस्याओं पर लोगों से मिलकर उसे सुन व समझ कर संकलन किया जाए तथा पंचायत स्तर पर ब्लूप्रिंट बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा समापन के बाद वे अपनी एक पार्टी बनाएंगे और बिहार में विकास की नई लकीर खींचने का काम करेंगे। सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामना आप सबको, और अगले 2-3 दिनों में छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है, तो उसकी भी अग्रिम बधाई और उसके लिए शुभकामना। जैसा कि आपको पता है, जन सुराज पद यात्रा के इस अभियान को, जिसको हम लोगों ने 2 अक्टूबर भितियारवा गांधी आश्रम से शुरू किया है, उस क्रम में आज मैं यहाँ पतिलार में पिछले 2 दिन से हूँ। हम लोगों की दिवाली भी यहीं पतिलार में मनी। पिछले 21-22 दिनों में करीब 200 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जो अभी तक का अनुभव रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। रास्ते में चलकर कुछ पदयात्रा के दौरान जो चीज़ें अनुभव हुई, उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि पलायन के समस्या के बारे में तो हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं गाँव से गुजर रहा हूँ तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गाँव में वर्किंग एज ग्रुप में बहुत कम बच्चे ही गांव में रह गए हैं। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गांव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पर ये पता चलता है कि करीब करीब 70% से ज़्यादा लोग बाहर जाकर रोज़गार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने रास्ते में अनुभव किया, शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है, ये तो सब लोग हम लोग बात करते रहे हैं, लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज़ को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में, जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों। ज़्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग, टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं हैं। स्कूल को लेकर जो एक उदासीनता और एक गुस्सा मुझे हर जगह लोगों में दिखा। एक और बात देखने को मिली कि जैसा हम लोग समझते हैं कि सरकारी स्कूल में बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ये बात तो हम लोग सुनते रहते हैं। जो चीज़ ग्राउंड पे समझ में आई कि बहुत सारे लोग जिनका नामांकन सरकारी स्कूल में है, एक्चुअली उनका नामांकन तो सरकारी में है, वो स्कूल में जाते भी हैं, लेकिन वहाँ से जो सुविधाएँ मिलती हैं, जो भी थोड़ी बहुत सुविधा मिल रही है, चाहे वो खिचड़ी की हो या कुछ पोशाक वगैरह हो, उसके लिए वहाँ हैं, तो उस लेकिन साथ साथ वो बगल के किसी प्राइवेट स्कूल में भी उनका नामांकन है, तो उनका नामांकन कई जगह पर डबल काउंट भी मुझे लगता है। सर, जन सुराज यात्रा के बाद क्या आप कोई पार्टी बनाएंगे? नहीं, ये तो देखिए पहले बताया गया है, जन सुराज का ये जो पूरा अभियान है, इसके जो 3 उद्देश्य हैं वो आपके सामने है, लिखा हुआ है, हर जगह बता रहे हैं हम लोग।
एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें दल अगर बनना है तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज का दल नहीं होना चाहिए। बिहार के समाज से ढूंढ कर निकाले गए हजारों ऐसे लोग जिनको समाज या हम लोग समाज की मदद से सही मानकर एक साथ एक मंच पर लाएंगे, अगर वो सब मिलकर तय करेंगे तो दल बनाया जाएगा। इसका पहला संस्करण आपको आपके जिले में दिखेगा जब पश्चिम चंपारण छोड़ने से पहले जिले में इसको लेकर वोटिंग होगी। तो जो लोग भी जन सुराज की सोच से जुड़े हुए हैं या जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं, उनको उनकी सबके एक अधिवेशन, जिले लेवल का अधिवेशन बेतिया में होगा, जिसमें वो ओपन वोटिंग होगी इस बात को लेकर कि क्या जन सुराज को एक दल में परिवर्तित किया जाना चाहिए, और अगर किया जाना चाहिए तो वो कब किया, कब और कैसे किया जाना है, ये हर जिले में हम लोग करेंगे। उस चूँकि हम लोग पश्चिम चंपारण से शुरू कर रहे हैं तो आपको बेतिया में वो दिखेगा। 10 तारीख के आसपास ये मीटिंग बेतिया में होगी, जिसमें पूरे बेतिया से उन सारे लोगों को जिनको हम लोगों ने कोट अनकोट जन सुराज के प्लेटफॉर्म के लिए सही माना है या समाज में जिनका नाम रिकमेंड किया है, ऐसे कोई 4-1 हज़ार लोग साथ में आएंगे और वो वोट करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे, ताकि आप ये देख पाएं कि दल को लेकर लोगों का निर्णय क्या है। सर, जन सुराज यात्रा का 20 दिन हो गया, जमीनी स्तर से कितने लोग जुड़े हुए हैं? भाई देखिए, कितने लोग जुड़े हैं, कोई ये दल तो है नहीं कि मैं बता दूं कि कितने लोगों ने पर्चा फाड़ के इसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन जितना मैं समझता हूं, जैसे जन सुराज में प्रखंड के स्तर पे एक समिति बनाई जा रही है, क्योंकि दल तो है नहीं, समिति बन रही है, ऐसे लोग जो प्रखंड के स्तर पर इस सोच से जुड़ना चाहते हैं, एक नई बेहतर विकल्प बनाने की दिशा में काम करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चंपारण जिले में, जब मैं पदयात्रा खत्म करूंगा तो आपको दिखेगा भी, जितने लोग राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता उस प्लेटफॉर्म पर आपको एक दिन में दिखेंगे, वो किसी भी दल से यहाँ बड़ा होगा, वो दल जो यहाँ 25 साल 30 साल 40 साल से राजनीति कर रहे हैं उनसे बड़ा होगा। आपको भी पता है ये 3 दल यहाँ पर कौन बड़े दल हैं और किसकी था, भीड़ की बात नहीं है, कितने राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता ऑफिस बेयरर उनके, किसी की ताकत नहीं है किसी दल की, जहाँ मैंने सबके साथ काम करके देखा हुआ है, किसी की ताकत नहीं है किसी दल की कि वो राज्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3,000-4,000 वर्कर या संस्थापक सदस्य जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो कोई दल यहाँ इकट्ठा नहीं कर सकता है। पर आप देखेंगे सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, मेरे कहने पर मत जाइए, आप जिले के अधिवेशन में आइएगा, आपको दिखेगा कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। बाकी लोग कितने जुड़े हैं वो तो जब आप मेंबरशिप बनाइएगा, जाके समाज में पूछिएगा तो लोग आपको बताएंगे कि लोग जन सुराज के बारे में क्या सोचते हैं। क्या माना जाए सर, तो राजनीतिक परिवर्तन या क्रांति? मैं एक ईमानदार, इसको आपको एक ईमानदार प्रयास के तौर पर देखना चाहिए, मैं उसको वैसे ही देखता हूँ ना, मैं मेरा क्रांति में यकीन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रांति है वो चीज़ों को हटाने के लिए होती है, सत्ता से किसी को हटाने के लिए क्रांति चाहिए, समाज को बनाना, क्रांति से समाज को बनाया नहीं जा सकता है। आप अगर मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक फ्रेंच रेवोल्यूशन को छोड़ दीजिए, फ्रांस की क्रांति को छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई है जिससे कि मानव सभ्यता का बहुत बड़ा विकास की दिशा में बल मिला हो। क्रांति से आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, तेज हथियार से आप पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन पौधे को पेड़ बनाने की जो विधि है, जो कला है, जो विधा है, वो अलग है, सृजन का एक अपना टाइम है। तो ये क्रांति नहीं है, ये जन जागरण है, समाज को जागृत करना, उनको बताना, समझाना और एक नई बेहतर व्यवस्था के लिए प्रेरित करना, ये प्रयास है, ये क्रांति नहीं है। वरना क्रांति हम लोग का इरादा है, हम लोग एक बेहतर समाज के सृजन के लिए, बेहतर विकास के लिए, विकसित बिहार के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सही सोच रखने वाले लोग साथ में आकर लंबे समय के नज़रिए से एक सार्थक और सकारात्मक प्रयास करें। सर, यात्रा में फंडिंग को लेकर भी चर्चा चल रही है, इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है? देखिए, पहले तो आप पत्रकार हैं तो ये बात आपने ठीक उठाई कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, मैं इसका जवाब हर मीटिंग में दे रहा हूँ। अगर आप सामाजिक राजनीतिक कोई अभियान कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा लगता कहाँ है पहले ये समझिए। सबसे ज़्यादा पैसा लगता है अगर आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, आ रहे हैं, नेता आते हैं रैली करने,
तो गाड़ियों से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्लेन से आते हैं, उसका पैसा लगता है। नेता जो मंच बनाते हैं, मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मंच जो बनाए जाते हैं उसमें पैसा लगता है। रैलियों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर जो विज्ञापन होता है उसमें पैसा लगता है। और चौथा सबसे बड़ा पैसा लगता है लोगों को बसों में भर के लाने में, बस में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में आप लोगों को भर कर ले आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे अभियान में मैं ये चारों काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर का तो कोई खर्चा है नहीं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। मैं कोई मंच बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं तो रोड के किनारे खड़ा होकर 50-100 लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कोई विज्ञापन कर नहीं रहा हूँ कि कहाँ पर क्या रैली, आपने कहीं कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा। और मैं बस में भरकर, गाड़ी में भरकर किसी व्यक्ति को आप पूरे चंपारण में आप बता दीजिए कि कोई बता दे कि मैंने किसी को 1 रुपये का पेट्रोल भी दिया हो कि भाई आप हमारे मीटिंग में आइए। तो इन 4 विषयों पर मेरा खर्च 0 है, तो इसलिए दूसरों के मुकाबले मेरा खर्च कम है। खर्च कहाँ कर रहे हैं? खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। मैंने ये बताया है कि पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं कोई MP हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है। तो जिन पिछले दस साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया, आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहे। अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो आप ये जो पार्टियां हैं यहां बिहार में, ये आधा मतलब आज तक जदयू पूरा बिहार नहीं जीत पाई, आज तक RJD पिछले 25 साल से बिहार नहीं जीत पाई। वो अगर ठेकेदारी से, अफसरों से भ्रष्टाचार करके पैसा लेकर पार्टी चला रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें लोग, बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100-100 रुपये दे दें तो 200 करोड़ रुपया हो गया। ज़रूरत इस बात की है, चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाएंगे किसी पार्टी के, वो व्यवस्था मैं खड़ा कर रहा हूँ। जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि लोगों के 100-200 रुपये योगदान से ही बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया जाएगा, जिसकी मदद से ये पूरी व्यवस्था को आगे चलाया जाएगा।